राजधानी पटना में गुरुवार को दिनदहाड़े अपराधियों ने किसान से 3 लाख रुपए कैश लूट लिए। इसके बाद मौके से फरार हो गए। दिनदहाड़े इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि घटना पटना के आगम कुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड शनि मंदिर के पास किसान शेखर से अपराधियों ने 3 लाख रुपए नकद लूट लिए। किसान ने इस पूरी घटना की जानकारी आगम कुआं थाना पुलिस को दे दी है, लेकिन पुलिस इस पूरी घटना से अनजान है। क्या हुआ था? यहाँ खड़ा थे और यहाँ से अचानक आया और डायरेक्ट बाइक में से पैसा छीन के, बाइक हैंडल में टांगे और वहाँ छीन के चला गया। आप कहाँ से रुपया लेके आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम ICICI बैंक कंकड़बाग से आ रहे थे। कितना रुपया था? 3 लाख। कहाँ पर कांड हुआ? शनिदेव मंदिर के पास भूतनाथ। प्रशासन कुआं थाना को सूचना दिया? जी, थाना को सूचना दिए तो बोले कि इसमें क्या कर सकते हैं, जो कैमरा में देखे हैं मतलब बाइक वाला पता भी चल रहा है तो उसका नंबर प्लेट पता नहीं चल रहा है। मैंने अब प्रशासन को अब निष्क्रिय मान रहे हैं इसको? अगर प्रशासन होती तो लूट नहीं होता, दिन दहाड़े लूट हो रहा है। नहीं, अगर वो ठीक होती तो ऐसा कांड तो नहीं होता। और यहाँ पे सुन है कि और पहले भी मोबाइल वगैरह भी 2-3 चार दिन में हाथ से छीन लिए हैं। और सुना है कि एक चैन मतलब सीढ़ी पर से छीन लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेखर हुआ। क्या करते हैं? हम किसानी लाइन से, किसानी लाइन से सर। हुआ क्या हुआ? हाँ, लोग हम रोड पर आए तो देखे, लोग बोल रहे हैं भाई यहाँ पर पैसा छीना गया है 3 लाख रुपया। कि भाई जी खड़े थे और बोल रहे थे तो हम लोग देख के बड़ा अचंभे भी हुए कि भाई कैसे इनका पैसा छीना गया। दिन दहाड़े छीना गया। प्रशासन की क्या भूमिका है? जब पटना का ये हाल है तो मतलब और जगह पे क्या हाल होगा? जब मेन पटना में जो भूतनाथ बोला जाता है वो भी तो मेन पटना मेन टाउन में आता है। यहाँ का शासन अगर मतलब प्रशासन अगर टाइट होता तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी मतलब मान के चलिए आपको 12-25 में ये घटना हुई है जो कभी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे चोरों का अड्डा बन चुका है भूतनाथ। अच्छा, ये क्या चीज़ से थे जो अपराधी जो थे? ये मतलब ग्रुप में आए थे, एक साइकिल से पहले बात में डिस्टर्ब किया और 2 मोटरसाइकिल गया और बैठ छीन के भाग गया, तुरंत निकल गया। वो आते हैं मैनेजर साहब, देख लीजिए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।